नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा। अगर आपके हाथ और पांव की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है, डल नजर आ रही है और नकल्स और स्किन अराउंड नेल्स काफी डार्क नजर आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत सा टाइम मैनी पेडिक्योर के लिए स्पेयर भी नहीं कर सकते, तो आज की शॉर्ट टाइम इंस्टेंट रेमेडी आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। इंस्टेंट मैनी पेडिक्योर लोशन बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए उनमें शामिल है वाइट कलर टूथपेस्ट 2 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा 1 टेबल स्पून, लेमन जूस लीमू का रस 2 टेबल स्पून, रोज वाटर गुलाब का अर्क ऑप्शनल एज पर रिक्वायरमेंट। एक बोल लेकर इसमें टूथपेस्ट बेकिंग सोडा और लेमन जूस को अच्छी तरह मिक्स करें। अगर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें ज़रूरत के मुताबिक रोज़ वाटर शामिल कर सकते हैं। अब इस मिक्सर को कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि बेकिंग सोडा भी बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। इंस्टेंट मैनी पेडिक्योर लोशन बिल्कुल रेडी है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हाथ और पांव अच्छी तरह धो लें और इस लोशन को अपने हाथों और पांव की स्किन पर अच्छी तरह अप्लाई करें कि तमाम एरिया अच्छी तरह कवर हो जाए। 10 मिनट के लिए हाथ और पांव की स्किन पर ये लोशन लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद अपने हाथों और पांव पर अच्छी तरह मसाज करें। याद रखें, चूंकि नकल्स का एरिया और नाखून के गिर्द स्किन काफी डार्क हो जाती है और ड्राई भी हो जाती है, तो इन एरियाज पर अच्छी तरह मसाज करें। 5 मिनट की मसाज के बाद हाथों और पांव को पानी से साफ कर लें और इसके बाद जब हाथ और पांव की स्किन हल्की नम हो तो कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल या आमंड ऑयल अप्लाई किया जा सकता है। हाथों और पांव की स्किन को सॉफ्ट एंड क्लीन रखने के लिए ये रेमेडी हफ्ते में एक बार इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये तो थी आज की ब्यूटी टिप। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।